अररिया में प्यार करना गुनाह हो गया है, जिसको लेकर रानीगंज थाना के खरसियाही गांव में हलचल मची हुई है। दरअसल प्रेमिका से मिलने आए आशिक की यहां पर पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। इस सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जाता है कि छोटू यादव नाम का युवक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पहुंच गया था, तभी लड़की के घर वालों ने उसका घेराव कर दिया और गुस्से में आकर जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। खबर फैलते ही युवक के परिवार वाले गांव पहुंचकर और जमकर बवाल हुआ। रानीगंज थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को कंट्रोल किया। शव का अररिया सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। SDPO के मुताबिक पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की के भाई और पिताजी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। करते थे मना, लेकिन प्रेमिका को मार दिया। कौन मारा? मेरा घर का लोग सब, मेरा बहन नहीं था, भाभी का पूरा रिलेशन का लोग था, उसका मायके का सब भाई, उसका पापा मम्मी सबका सपोर्ट था। उसके हाथ में उसके लड़का को मार दो, लड़की को भी मार दो, आज सुबह में भी बोले सबके मार दो, दोनों को गोली से लगा के। जब कैसे मारा उसको? क्या उसको घर में बंद कर दिया था, हमको दूसरा रूम में, उसको दूसरा रूम में, हम उसको नहीं देखे पहुंचे, लेकिन मार से पता चलता है कि बिजली का झटका लगा हुआ है। अच्छा, उसको कैसे आपके यहाँ बुलाया? हम बोले थे कि आइए, से मतलब शादी करेंगे, देखेंगे बात विचार कैसे होता है, पास आइएगा तब न देखेंगे। तो बोले ठीक है। कौन तुम बुलाई थी? क्या पहले से जान पहचान नहीं था उससे? क्या पहचान? ऐसे उसका फेस नहीं देखे थे, मोबाइल से सिर्फ बात होता था। मोबाइल से ही हो रहा था प्यार? क्या क्या नाम था लड़का का? किसका? जिसका मौत हुआ, जिसे प्रेम करते थे? कहाँ मकान हुआ? गंज थाना अंतर्गत ग्राम पड़ौगा से एक हत्या का मुकदमा आया है केस, जिसमें मृतक का नाम छोटू कुमार है। यह लड़का यंग लड़का था और यह जो है प्रेम करता था जिस लड़की से, वो लड़की रहने वाली है बड़ौगा गांव की ही और लड़का रहने वाला है रहरिया भरगामा थाना। तो इसके लड़की के परिजन ने इसको बुलाया कि तुम इसको बुलाओ और हम तुम्हारी शादी करा देंगे। धोखे में रख के बुलाया और यहां पर रूम में बंद करके इस लड़का की हत्या कर दिया है। इसमें दो व्यक्ति की अभी गिरफ्तारी हुई है, जो लड़की का भाई और पिताजी की गिरफ्तारी हुई है। अभी प्राथमिकी दर्ज कराया जा रहा है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और सभी बिंदुओं पर छानबीन किया जा रहा है। लड़की जो प्रेम करती थी वो भी लड़का वाले के पक्ष में ही है और वो भी बयान दे रही है कि हमारे साथ जो है सो ये घटना के बारे में ये चक्षुदर्शी का वाद भी है।